पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, वही पेड़ जिसकी ऑक्सीजन से हम सब जीवित हैं। और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए शासन प्रशासन समय समय पर तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन भी करते रहते हैं और कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन लगता है कि नवीन जिले सारंग बिलाईगढ़ स्वास्थ्य विभाग के ग्राम पंचायत गोटीहारी दुर्गा पाली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की CHO मैडम शासन के इस अभियान को मटिया मेट करने पर तुली हुई हैं, क्योंकि अस्पताल परिसर के अंदर लगे आधा दर्जन बड़े पेड़ों की कटाई करवा दी गई और इस संबंध में वहां के सरपंच को भी कोई जानकारी नहीं दी गई और ग्रामीण भी पेड़ों की इस तरह निर्मम कटाई से काफ़ी नाराज़ हैं। जब इस संबंध में CHO नम्रता तिवारी से बात करने अस्पताल पहुंचे तो प्रसव कक्ष में होने की वजह से उनसे बात नहीं हो पाई। वहीं पुनः अगले दिन शनिवार को अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल बंद मिला और अस्पताल के बाहर कई ग्रामीण इलाज के लिए इंतजार करते हुए नजर आए। वहीं पर उनसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश भी की गई लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। अब आप समझ सकते हैं कि एक जिम्मेदार स्टाफ का इस तरह गैर जिम्मेदाराना हरकत और लापरवाही से आपातकालीन इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे लोगों को आगे कितनी परेशानी उठानी पड़ती होगी। फिलहाल यह सवाल सभी कर रहे हैं, जिन पेड़ों को ग्रामीणों ने सालों देखभाल करके बड़ा किया था, आखिर मैडम ने किसकी अनुमति से और क्यों इनकी निर्मम कटाई करा दी? क्या यही पेड़ बचाओ जीवन बचाओ अभियान है?